MBS स्टूडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाँ तो प्यारे सजनों, एक दिन के समय बाबू गोरखनाथ जी आपके चेला ने इकट्ठा कर गए और किसी भांति से पूछने लगे, सो कथा सुनो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक पुण्य से नहीं बाबू रे बोरे चलो या बागड़ सा
गोरखनाथ जी महाराज आपके चेला ने कह रहे चलो आपने यहाँ काम करो भाई, आगम और पीछे सारा ही फिर लिया, देश पुरसा भलेरा है। चेला कहने लगे गुरु जी महाराज अगम और पीछे में सारा ही फिरिया, अर्देश मन तो पूर्व देश भलेरो लागे। अरे उन टाइम गए मैंने बाबू गोरखनाथ जी कहने लगा नहीं भाई चलो आपने यहाँ काम करो बागड़ में चाल श्याम। बोले बागड़ में महाराज आंधी बाजे दिन ऑटोमेटिक पोडू उठना शुरू हो जावे, खिंपर ऑटो जो खिंपा ऑटो यहाँ काम चाले कोनी, तो देखो आप बागड़ चाल श्याम बट काकड़िया मतीरिया घना ही बरसात सीजन है और भादो का महीनो है यार आप बागड़ चाल ठीक है। बोले नहीं महाराज बागड़ देश आप जावांगा आप तीस मर जावांगा पानी है जो खारो है। बोले चलो हमारी बात सुनो बागड़ के मायने कौन है। बोले कौन है बागड़ के मायने बाछल माता तापे आप पानी मांग सापा ने दूध ही पिलावे। बोले गुरु जी मारे तो देखे आप आज जची को नहीं अगर जकारी खावे बाजरी भरे देंगी आजरी ठीक है तो माने तो चालना ही है मारे तो के लिए है चालो बुलाई आवे चेला अपने अपनी झोली तो उठा लिए आ प्यारे सजनो बागड़ खाने पी रही है तो प्यारे सजनो कभी की कल्पना है सजनो कौन सा तो बागड़ है कौन सा पूर्व है कह राजा जेवर के बाग के मायने आ जावे तो राजा जेवर को बाग हो जिको सूखो तो पेड़ पेड़ के मायने धुना लगा दिया जोगी राजा अब गूगड़ धूप की महकार हुई दादर मोर पपैया बोले और कोयल शोर मचावे गूगड़ की महकार होता ही बाग हो तो ऑटोमेटिक अपने आप हरे हो जावे। अरे कई दिन तो हो गया बाग के मायने फिर बाबू गोरखनाथ जी आपके चेला ने कहने लगे चलो कितना होते मारे। बोले महाराज अणगिणत रहे यहाँ 9 लाख। बोले कोई हुक्म होता वेले अगरनाथ जी महाराज दे तो बोले महाराज मैं हूँ मन के वो कोई काम है जिको तो प्यारे सजनो 5 पानों के वीडियो बना गए और गुरु जी महाराज किसी भांति से देवे आपके चेला ने और के अपनी राम सभा सुन ले है पांचे पनारो गुरु
गुरु गोरखनाथ जी महाराज ओगरनाथ में के भाई ओगरनाथ तुम बीड़ो तो संभालियो इतना काम करवाई और नजदीकी गांव है नी इमु जात हूँ पानी लिया ठंडो और गुरुजी ने प्यास जरूरी लागी है तो क्या रे सुनो ओगरनाथ जी महाराज झोली झंडा लेगे बगल के मायने और गुरुआंगी तुम भी लेगे और नगरी सामो फिरियो तो नगरी के मायना एक गर फिरियो दो गर फिरियो और तो तीसरा घर बाछल गई बाछल गया घर जा रहे आले त्री आवाज लगावा आले के निरंजन आओ बाबा महाराज थोड़ा सा रुको माता बाछल उन टाइम के मायने स्नान कर लाग रही प्यारे सुनो तो माता बाछल जोगी राजा ने कहे आगो ना आई जोगे सिर पाछो भी नहीं जाई अरे भिक्षा ले गया पाछो ही जाई तो भिक्षा ले जाई महाराज बन जाओ तैयार है तो प्यारे सजनो माता बाछल झड़पे के साथ चाली है और जोगी राजा ने चावल मुंगा के ले आगे भीख देवे ऑन टाइम के मायने ओगरनाथ जी महाराज कहने लगे माता एक चावल मूंगे नी जका तुम्हारा कंकर पत्थर है बोले तो बोले माने प्यास लग रही है और हमारे गुरुजी ने भी प्यास लग रही है आप यहाँ काम करो पानी पाओ माने थोड़ा सा पानी पिला दियो बोले हे जोगेसर पानी मैं मांग मारे को दूध मांग ले बोले क्यों बोले मारे नगरी में आज को खारो पानी है और साठी का कुआ है ढोलांगे धमीड़ा मारो ही तो प्यारे सजनो ओगरनाथ जी देख रहे बोले माता गुरु गोरख की आन फिरेगी तो थारे खारे से मीठो बनी कुए को पानी जो मीठो होती सी अरिया काम करो फिर तो मान घालोगा पानी बोले क्यों नहीं फिर पानी घाल तो प्यारे सजनो ओगरनाथ जी महाराज काचे सूते कुए जुड़ा दिया है और खेली कोठ है जगह सारा अवसर भर गया और पानी की किनियारा बगन लाग रही समाचम करती अरे घड़ो सिर पर है और पानी हो जो कुए को मीठो ही अबे माता बाछल आपके सहलिया ने आवाज लगावा हे सहलियो अपन जोगेश्वर ने दूध पिलाया सारी नगरी में दूध इकट्ठो करा लिया है और दूध जारी के मायने घाला है उन टाइम का मायने ओगरनाथ जी कहने लगे आपकी झोरी ने क्या झारी तोड़ू मरोड़ू फटकूला ताल गना अरे तू यहाँ काम करी गड़बे ऊंची नहीं आ जाई हमारी बात सुन ली गुरुआ खाने पाची कौन ले जाऊंगी तो प्यारे सजनो झारी के मायने दूध पुरुष है जिन टाइम में माता बाछल पुरुष थी थक गई है तो हाथ जोड़ के कहने लगे बाबा जी माने कोई ऐसी आशीर्वाद दे हो यानी मारे धन को कोई धनी है ही नहीं बोले धनी बोले हाँ मारे कोई लड़को तो है को नहीं बोले आप कौन सा जोगी से आ तो किसी भांति से किधर की अपनी राम सभा सुना है